जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त मनोरथों को माँ भगवती पूर्ण करें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होकर के माँ भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा मीन राशि के जातकों के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम होने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। और वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर से सटीक से महत्वपूर्ण उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को सफलदायी बना सके। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2 से लेके 8 अक्टूबर 2023 का यह सप्ताह। तो आज का जो यह कार्यक्रम होगा हमारा, यह चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो जितने भी मीन लग्न के जातक हैं, मीन लग्न के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है 2 से लेके 8 अक्टूबर का, इस सप्ताह जो है मानसिक उलझने जो है इस सप्ताह आपकी हो सकती हैं। इस सप्ताह जो है कुछ मानसिक उलझनों के कारण आप परेशान रह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में जो है कामकाज में आने वाली जो अड़चने हैं, कामकाज में आने वाले जो विघ्न बाधाएं हैं, उनको लेकर थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, थोड़ा सा आपका मन खिन्न हो सकता है। इस दौरान आपको जो है अपने सीनियर से और जूनियर से जो है कम ही संयोग आपको मिल पाएगा। आपने सीनियर से और जूनियर से आपको संयोग नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो सप्ताह है 2 से लेके 8 अक्टूबर का, तो यह सप्ताह जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से समय जो है कुछ विपरीत फल प्रदान करने वाला आपके लिए बना हुआ है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह जो है आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है। तो यह जो सप्ताह है स्वास्थ्य की दृष्टि से विपरीत आपके लिए होने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध भाग में जो है, सप्ताह का जो शुरुआती हिस्सा होगा, तो पूर्वार्ध भाग में आपको न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिजनों की सेहत का, अपने परिवारजनों के सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी, अपने स्वास्थ्य की और अपने परिजनों का भी ध्यान आपको रखना होगा। इस सप्ताह के दौरान जो है कोई मौसमी बीमारी जो है वो आपको प्रभावित कर सकती है, कोई मौसमी बीमारी जो चल रही है वह आपको घेर सकती है, जिसके चलते क्या होगा कि आपको जो है अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय भी बेहद सावधानी आपको बरतनी है, वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रखें, नहीं तो फिर चोट चपेट लगने की आशंका दिख रही है। और रिश्ते नाते की दृष्टि से अगर बात की जाए तो रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। पारिवारिक दृष्टि से यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह में जो है उतार चढ़ाव भरा आपके लिए रहने वाला है। ऐसे में स्वजनों के साथ जो है बात व्यवहार करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी और किसी को भी कोई कठोर वचन ना कहें, कठोर वचन आपको नहीं कहने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो बातें हैं किसी को बुरी ना लगे, इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, अंतिम हिस्सा होगा, तो उत्तरार्ध भाग में जो है मीन राशि के जो जातक नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों को अपने काम में जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। अपना जो भी आप कार्य करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, लापरवाही बरतने से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा कि आपको अपने सीनियर से जो है डांट खानी पड़ सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस दौरान जो है आपकी जो चल अचल संपत्ति है, जो आपकी संपत्ति है या निजी मामले हैं, तो आपके जो संपत्ति के मामले या फिर जो निजी मामले हैं, तो निजी मामलों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है, ज्यादा भागदौड़ भरा या उतार समय आपके लिए हो सकता है, तो ज्यादा भागदौड़ उतार में आपके रहेगी। भूमि भवन या किसी दूसरे प्रकार के विवाद को जो है कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय जो है संवाद के माध्यम से जो है आपको वह
आज जो भी समस्या आ रही है उस समस्या का आपको समाधान करना है, उस समस्या का जो है समाधान आपको कोर्ट कचहरी में न जाकर के आपस में ही निकाल लेना है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में भी जो है मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है सावधानी के साथ जो है कदम आगे बढ़ाने होंगे और रिश्तों की मर्यादा आपको बनाए रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए उपाय की, कि उपाय क्या करें जिससे आप इस सप्ताह को जो है 2 से लेके 8 अक्टूबर 2023 के सप्ताह को आनंददायी बना सके। तो उपाय के तौर पे जो है मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है प्रतिदिन केले के पेड़ में जो है आपको जल समर्पित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको प्रतिदिन पाठ करना है। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप इस सप्ताह को सुफलदायी आनंददायी बना पाएंगे। तो यह उपाय आपको जरूर करना है ताकि इस सप्ताह को आप आनंददायी बना सकें। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो अब पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।